तो आज हम आप लोग के बीच रसमलाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और ये बहुत आसानी और कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम पनीर ले लेंगे और ये पनीर हम घर पर 1 किलो दूध से पहले तैयार कर लिया था। तो इसको अच्छे से मसल मसल करके सॉफ्ट दूध तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा दूध बन करके तैयार हो गया है और अब हम इसको छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। और इधर मैं चाशनी बनाने के लिए भी रख देंगे। तो चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी ले लिया है और 2 कटोरी पानी डाल दिया है और उबाल आने देंगे। देखिए चाशनी में उबाल आने लगा है और अब हम सारे रसमलाई को एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो सारे रसमलाई को हमने डाल दिया है और गैस को हाई फ्लेम कर देंगे। उबाल रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये फटकर बिखर जाएगा। और इसको अभी चलाएंगे नहीं, इसी तरह उबाल आने देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। और 5 से 7 मिनट हो गया है और हम इसको धीरे धीरे चला देंगे। और रसगुल्ला फूल करके डबल साइज हो गया है और चाशनी गाढ़ी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम गर्म पानी इसमें डालते जाएंगे, धीरे धीरे पानी हम इसमें डालते जाएंगे, यह उबाल आना कम ना हो। और 5 से 7 मिनट तक और इसको कुक करेंगे। और अब इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है और देखिए बिल्कुल हमारा रसगुल्ला फूल फूल गए हैं। और इसमें 3 से 4 इलायची कुटकर डाल दिए हैं और ये 80% तक हो गया है हल्का, 1 से 2 मिनट तक और इसको कुक करेंगे। और ये हमारा रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है क्योंकि चाशनी से नीचे चाशनी में डूब गए हैं। तो हम गैस को ऑफ कर दिया है और इसमें 2 से 3 कलछी और पानी हम इसमें डाल देंगे। ये चाशनी गाढ़ा ना हो, ये चाशनी गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा रसगुल्ला हार्ड बनेगा। और तो रसगुल्ले से हमको रसमलाई बनाना है, तो रसमलाई के लिए हम रस तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 1/2 किलो दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए और इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दिए हैं और 3 से 4 इलायची डाल दिए हैं, काजू बादाम की कतरन डाल दिए हैं। और कलर के लिए हम इसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, हम IMC कंपनी का ये हल्दी श्री हल्दी है, ये 3 से 4 बूंद हम इसमें डाल देंगे। ये रसमलाई का परफेक्ट कलर आ जाएगा। और अब हम इसमें अच्छे से हमारा ये रबड़ी बन करके तैयार हो गया है। तो हम इसमें सारे रसमलाई चाशनी से अलग निकाल करके हम इसमें डाल देंगे और ठंडा होने के लिए 1 घंटा के लिए फ्रिज में हम इसको रख दिए थे और ठंडा हो गया। और देखिए हमारे रसमलाई बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और सर्व करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा ये रसमलाई आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए हम आप लोग को तोड़ करके दिखाते हैं ये अंदर से कितना स्पंज और रसीला बन करके तैयार हुआ है। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारा रसमलाई का रेसिपी आप लोग का कैसा लगा। तो बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।